हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा अग्रवाल जी आपको सिंधी टाके में ये वाला पैटर्न बता रही हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना ये देखते हैं पैटर्न का राइट कॉर्नर ये वाला है और ये लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से लेंगे ये। अब अगर हम फर्स्ट लाइन देखें इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ तक सीधी सी एक लाइन है जिसमें अभी कोई धागा देखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको फर्स्ट लाइन को निकाल देते हैं। अब सेकंड लाइन हमें यहाँ से लेनी है ये वाली, इसको हम देखेंगे कि हमें कैसे रखना है। ये लाइन भी फिक्स है कि हमें यहाँ पर धागा राइट की तरफ जाते हुए धागा ऊपर रखना है जब हम इस तरफ अपने धागे को राइट की तरफ ले जा रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन सीधी जाएगी और सेकेंड लाइन भी ऊपर चली जाएगी इसके ऊपर राइट की तरफ। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन में देखना है हमें, ये यहाँ लाइन बनेगी। अब हमारी थर्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक की, तो अब हमें चेक करना है कि ये धागा इस लाइन के ऊपर आएगा कि नीचे, ये वाला धागा। तो हम इस तरह की लाइन बन रही है हमारी ये वाली, तो हम इसके जस्ट पहले की ऐसी ही लाइन का धागा चेक करेंगे। तो ये धागा क्या है, नीचे गया है हमारी इस लाइन के, सेकेंड लाइन के नीचे में दिख रहा है हमें, है ना। तो यहाँ ये धागा क्या आएगा, ये ऊपर आएगा। तो बस हमें एक पहले का कॉर्नर चेक करना है, सेम लाइन की तरह का धागा चेक करना है और उसे देखना है कि अपोजिट रखना है, जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर। अब जैसे यहाँ पर हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम यहाँ से फोर्थ लाइन शुरू करेंगे ट्राइंगल लेके ये। अब हमारा धागा कैसे बन रहा है, क्योंकि अब ये लाइन तो पूरी कंप्लीट हो गई, अब हमें इससे क्या देखना नहीं है, अब हमें फोर्थ लाइन को चेक करना है कि ये धागा इस लाइन के ऊपर रहेगा कि नीचे। तो ये लाइन जा रही है इस तरह की, अब इसके पैरेलल की लाइन को ऐसी लाइन को देखेंगे, जिस तरह की ये लाइन बन रही है उससे पहले की लाइन को ही चेक करेंगे। तो यहाँ अभी धागे से बने नहीं है, तो हम इसे चेक करेंगे, क्योंकि लाइन हमें इसी तरह की देखनी है, तो हम इसी तरह का धागा देखेंगे कि कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है। ये नीचे जा रहा है, यहाँ जो धागा आएगा ऊपर, तो ये नीचे, तो हम इसे नीचे डालेंगे। अब हम यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, ये लाइन हमारी पूरी हो जाती है। यहाँ चेक करेंगे कि अब ये वाली लाइन का धागा कैसा रहेगा, हमें धागा कॉर्नर पर ही चेक करना है कि धागा ऊपर जाएगा इस लाइन के कि नीचे रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, लाइन देखनी कि हमारी कैसी बन रही है। ये लाइन बन रही इस तरह की, सेम इस तरह की लाइन इसके पहले में देखेंगे जहाँ पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर बनी नहीं है, इसको चेक करेंगे, ये ऊपर फिर ये धागा चेगा नीचे फिर ऊपर, तो मैट की तरह ही हमें चेक करना है। अब हम डबल धागा एक साथ लेते हैं, जैसे कि ये इस तरह से ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर देखते कि यहाँ पर हमारा धागा क्या है, नीचे में नीचे जा रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये धागा नीचे है, है ना, इस तरफ का धागा हमारा नीचे है लेफ्ट साइड का, तो हम इसको नीचे डालेंगे और ऊपर में हमारा धागा ऊपर जाएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि ऊपर में ये धागा सेम है तो ऊपर जा रहा है। तो हमें इस तरह का पैटर्न अगर दिख रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, तो धागा हमें नीचे में नीचे रखना है, अंदर डालना है ये, और ऊपर में हमारा धागा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा धागा ऊपर रहेगा कि नीचे, तो हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं अपना। अब लाइन हमारी कैसी बन रही है, इस तरह की बन रही है, इसके जस्ट पहले के कॉर्नर को चेक करेंगे इस तरह की लाइन का धागा, तो ये नीचे है, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर है, ये भी ऊपर ही जाएगा हमारे। अगर एक कॉर्नर हमारा ऊपर है सिंगल वाले, तो हमारे दोनों कॉर्नर ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाएगा। अब हम इसमें बीच में हमें क्रॉस करना है, तो ये देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, हमारा बीच का धागा अंदर चला जाएगा। यहाँ तक लेंगे, यहाँ ट्राइंगल। अब हमें धागा चेक करना है कि ऊपर रहेगा कि नीचे। लाइन हमारी बन रही है इस तरह की, है ना, ये वाली, तो इसके लिए जस्ट पहले की लाइन देखेंगे, तो ये अभी बनी नहीं है धागे से, इसको चेक करेंगे, ये ऊपर, यहाँ पर जो धागा चेक नीचे फिर ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, तो ये दो कॉर्नर भी हमारे ऊपर जाएंगे, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी हमारा ऊपर ही जाएगा। इसके बाद ये बीच में चेक करना है, तो ये देखिए ये वाला धागा ऊपर है इस तरह की लाइन का, ये भी ऊपर है, तो हम बीच में अंदर डाल देंगे। फिर हम यहाँ तक लेंगे,
यहाँ पर से हमें चेक करना धागा कि हमारा धागा कैसे जाएगा। तो हम किस लाइन को चेक करेंगे, हमारी लाइन बन रही है इस तरह की, ये वाली, तो इसको चेक करेंगे इसके जस्ट पहले की, ये धागे से बनी हुई अभी ये नीचे है, तो यहाँ धागा क्या जा रहा है हमारा ऊपर, तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे और ये बीच में हमें ये दोनों ऊपर मिल रहे हैं तो ये धागा अंदर चला जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा धागा क्या जाएगा, इस तरह का धागा है और ये ऊपर है, यहाँ नीचे फिर ये ऊपर। अब ये पूरा इवन नंबर का पैटर्न आ गया है, 1 2 3 4, यहाँ ऊपर रख रहे हैं तो हमारे ये दो कॉर्नर भी ऊपर जाएंगे। धागे से देखेंगे तो लाइन हमारी इस तरह की बन रही है, इसके जस्ट पहले की लाइन धागे से बनी नहीं है, ये भी नहीं बनी, इसको चेक करेंगे, ये नीचे फिर यहाँ ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से ये धागा बनता है। यहाँ ले लेंगे, यहाँ भी धागा हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर रखेंगे धागे को, यहाँ पर से लेंगे ट्रायंगल, ये भी धागा ऊपर चला जाएगा और बीच में अंदर। अब ये पूरा पैटर्न इवन नंबर में जा रहा है तो हमें बाहर के ये जो 3 है कॉर्नर, ये ऊपर ही रखने धागे, लाइन से भी देखोगे तो भी आपके ऊपर ही जाएंगे, यहाँ ऊपर फिर बीच में अंदर, और ये तीनों कॉर्नर जो जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये ऊपर लेंगे फिर यहाँ भी हमारा ऊपर चला जाएगा धागा, और ये भी ऊपर बीच में अंदर जाएगा और फिर ये ऊपर। तो अगर हम एक लाइन चेक करते ये वाली, तो देखिए ये धागा ऊपर फिर ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से हमें धागे मिलते हैं। यहाँ लेंगे फिर ये अंदर, अब हमारा यहाँ धागा ऊपर रहेगा और इसको यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पर धागा ऊपर चला जाएगा बीच में अंदर, इस तरफ जाएंगे तीनों कॉर्नर हमारे ऊपर जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ये बीच में अंदर जाएगा और फिर ये ऊपर और ये अंदर। तो इस तरह से ये कच्चा टाका इसका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।